गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास सेकंड। पिछले वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट के क्वेश्चन ए और क्वेश्चन बी के आंसर बुक में फिल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी बुक में फिल करेंगे। क्वेश्चन सी, राइट आर फॉर राइट एंड डब्लू फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स। इसमें हमें जो बात सही है उसके लिए आगे दिए गए बॉक्स में आर लिखना है और जो बात गलत है उसके लिए आगे दिए गए बॉक्स में हमें डब्लू लिखना है। फर्स्ट, ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म द वर्क ऑफ मैनी अदर मशीन्स। एक कंप्यूटर कई अन्य मशीनों का काम भी कर सकता है, तो ये राइट स्टेटमेंट है, तो हम इसमें आगे बॉक्स में आर लिख देंगे। सेकंड, ए कंप्यूटर नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। एक कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ये राइट स्टेटमेंट है, सही बात है, तो हम इसके लिए आगे दिए बॉक्स में आर लिखेंगे। थर्ड, ए कंप्यूटर कैन नॉट बी यूज्ड टू प्ले गेम्स। एक कंप्यूटर का उपयोग हम गेम खेलने के लिए नहीं कर सकते। इसमें कहा है कि हम एक कंप्यूटर का यूज़ गेम खेलने के लिए नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, क्योंकि कंप्यूटर में गेम हम खेल सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ हम गेम खेलने के लिए कर सकते हैं, तो ये गलत है, तो इसके लिए हम इसके आगे दिए गए बॉक्स में डब्लू लिखेंगे। फोर्थ, द सीपीयू इज़ लाइक ए बिग बैटरी। एक सीपीयू एक बड़ी बैटरी के जैसा होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। यूपीएस होता है एक बड़ी बैटरी के जैसा, तो ये गलत है, तो इसमें हम डब्लू लिखेंगे। फिफ्थ, व्हेन यू टर्न ऑन ए कंप्यूटर इट इज़ नॉन एज स्टार्टिंग। जब आप एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इसे स्टार्टिंग करना, स्टार्टिंग कहते हैं, ये सही है, तो हम इसमें आर फिल करेंगे, आर लिखेंगे। क्वेश्चन सी हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम क्वेश्चन डी करेंगे। क्वेश्चन डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। राइट, फर्स्ट है राइट वन डिफरेंस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए ह्यूमन बीइंग। एक कंप्यूटर और एक इंसान के बीच का एक अंतर हमें लिखना है, एक ही डिफरेंस लिखना है, तो हम आंसर में लिखेंगे, ए कंप्यूटर कैन नॉट मेक इट्स डिसीजन व्हाइल ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक देयर ओन डिसीजंस। एक कंप्यूटर अपना डिसीज़न खुद नहीं ले सकता है, जबकि एक इंसान अपना डिसीज़न खुद लेता है। सेकंड, राइट द नेम्स ऑफ द फोर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के चार प्रकारों के नाम हमें इसके सेकंड के आंसर में लिखने हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड लैपटॉप कंप्यूटर, थर्ड स्मार्टफोन, फोर्थ टैबलेट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बूटिंग। बूटिंग क्या है। द कंप्यूटर विल टेक सम टाइम टू स्टार्ट, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड बूटिंग। कंप्यूटर शुरू होने में कुछ समय लेता है, इस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। फोर्थ, डिफाइन डेस्कटॉप ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर की डेस्कटॉप को हमें डिफाइन करना है, डेस्कटॉप क्या होती है। द फर्स्ट स्क्रीन दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज नॉन एज डेस्कटॉप। कंप्यूटर की पहली स्क्रीन
जो हमें दिखाई देती है, मॉनिटर पर हमें दिखाई देती है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले स्क्रीन जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देगी उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। एक्टिविटी टाइम, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑन द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप स्क्रीन है जिसके पार्ट्स हमें यहाँ पर जिसके पार्ट्स के नेम लिखने हैं। तो ये छोटी छोटी पिक्चर्स जो है डेस्कटॉप पर, इन्हें आइकन्स कहते हैं। तो हम इस बॉक्स में, इस ब्लैंक बॉक्स में आइकन्स की स्पेलिंग फिल करेंगे। आइकन्स की स्पेलिंग है ICONS, आइकन्स। फिर नीचे लेफ्ट कॉर्नर में जो बटन है उसे स्टार्ट बटन कहते हैं। तो हम इस बॉक्स में लिखेंगे START स्टार्ट, BUTTON बटन, स्टार्ट बटन। और नीचे जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पर नीचे एक बार होती है जिसे टास्क बार कहते हैं। तो हम इस बॉक्स में जो है टास्क बार की स्पेलिंग लिखेंगे TASKBAR, टास्क बार। तो क्लास सेकंड, हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आज का आपका होमवर्क है राइट क्वेश्चन सी एंड क्वेश्चन डी इन योर नोटबुक। थैंक यू।